विभिन्न स्तरों पर आयोजित किए जाने वाली गतिविधियाँ। स्कूल चले अभियान के माध्यम से अध्यापक को बच्चों और जन सामान्य को जागरूकता लाने एवं वातावरण सृजित करने हेतु प्रचार प्रसार किया जाए। स्कूल चलो अभियान के संदर्भ वातावरण सृजन के लिए समाचार पत्रों निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराई जाए, होर्डिंग लगाए जाए, पर्याप्त मात्रा में हैंडबिल छपवाए जाएँ, विद्यालय स्तर पर वॉल राइटिंग कराई जाने के साथ ही स्थानीय मीडिया, स्थानीय सिनेमाघर, लोकल चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। जनपद तथा विकासखंड विद्यालय स्तर पर भी रैली एवं प्रभात फेरी आयोजित की जाए। स्कूल चलो अभियान में जिलाधिकारी के निर्देशन मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अन्य जनपदीय अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का व्यापक सहयोग प्राप्त किया जाए तथा छात्र नामांकन कराए। आगे चलते हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ तैयार किया जाए। ग्राम स्तर पर पूरे माह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। विकासखंड स्तर पर स्कूल चलो अभियान, छात्र आउट ऑफ स्कूल, स्कूल बच्चों को चिन्हांकित करके संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। विकासखंड स्तर पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों व छात्र नामांकन उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए। तदनुसार रणनीतियां, कार्ययोजनाएं 2023-24 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाए। नया पंचायत स्तर पर भी स्कूल चलो अभियान, छात्र छात्राओं नामांकन तथा उपस्थिति को बढ़ाने के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, स्कूल चलो अभियान और छात्रों का नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए जनपद तथा विकासखंड स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चों और छात्र नामांकन उपस्थिति की स्थिति का विश्लेषण किया जाए। तदनुसार रणनीतियां, कार्य योजनाओं तथा वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाए। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान किए जाने तथा यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्वेटर क्रय हेतु DBT के माध्यम से उनके माता पिता, अभिभावक के बैंक खातों में स्थानांतरित धनराशि से अनिवार्यता बच्चों को इन सामग्रियों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अभिभावक को बताया जाए। इस अवधि में उपस्थित छात्र छात्राओं को MDM भी उपलब्ध कराया जाए। स्कूल चलो अभियान के द्वारा विद्यालयों के नामांकन वृद्धि, नामांकन, छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता, कम्युनिटी एवं पेरेंटल इंगेजमेंट सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय स्तर पर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, महासमूह के सदस्यों से संपर्क कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। विद्यालय स्तर पर अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाए तथा उन्हें सभी बच्चों के नामांकन, उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। सामान्यतः घरेलू कार्यों में संलिप्तता के कारण बालिकाओं में ड्रॉपआउट की संभावना अधिक रहती है, अतः बालिकाओं के 100% नामांकन एवं उपस्थिति पर विशेष फोकस किया जाए। विद्यालयों में बच्चों के नियमित उपस्थिति छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर को सीधे प्रभावित करते हैं। इस संबंध में अभिभावकों से बातचीत की जाए, बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जाए, 100% नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु वर्ष 2023-24 में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है, किंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि 6 से 14 आयु वर्ग का कोई बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे। मंडल, जनपद तथा विकासखंड स्तरीय सभी शिक्षा अधिकारियों भी स्वयं गांव भ्रमण करेंगे, जन समुदाय, अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विकासखंड स्तर पर परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित विगत 3 वर्षों के कक्षावार छात्र नामांकन की स्थिति का विश्लेषण किया जाए। छात्र नामांकन को बढ़ाने के लिए विद्यालयवार लक्ष्य निर्धारित किए जाए, इसका संलग्न विद्यालय, विकासखंड तथा जनपद स्तर पर किया जाए, जिससे इस लक्ष्य को सापेक्ष नियमित अनुश्रवण किया जाए।
विकासखंड स्तर पर एआरपी को विकासखंड में स्थित प्रसदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का नोडल व सह समन्वयक बनाया जाए। उनके लिए नामांकन एवं उपस्थिति हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इस लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों के आधार पर उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाए। विद्यालय न्याय पंचायत विकासखंड तथा जनपद स्तर पर जिन कार्यक्रमों में समुदाय के सदस्यों अभिभावकों शिक्षकों की उपस्थिति हो उनमें कक्षावार विषयवार शिक्षण संबंधी परिणाम और लर्निंग आउटकम के बारे में विस्तृत चर्चा की जाए। विद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ उनमें अभिभावकों के साथ विद्यालय स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ सहभागी गतिविधियों का आयोजन के संबंध में प्रस्तुत किया जाए। विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्यों की उपलब्धियों को चर्चा की जाए। ठीक है, आगे फाइनली कक्षा एक के विद्यार्थियों हेतु जो है, ध्यान दीजिए, कक्षा एक के विद्यार्थियों हेतु नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा विद्या प्रवेश गाइडलाइन 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 लागू किया जाए। इस अभियान के फलस्वरूप होने वाले नामांकन में वृद्धि को विद्यालय पंजिका में दर्ज किया जाए, पंजिका को सदैव आतन रखा जाए। साथ ही नामांकन में हुई वृद्धि को यूडाइस एवं प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को समुचित डॉक्यूमेंटेशन कराया जाए। इस अभियान के संचालन का दायित्व जनपद स्तर पर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी तथा विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जाए। जनपद स्तर एवं विकासखंड स्तरों पर स्कूल चलो अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार की तैयारियां 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य पूर्ण रूप से कर ली जाएं। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा मीडिया एवं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मद से प्रत्येक जनपद को धनराशि 2 लाख आवंटित किए जाने के संबंध में शासन को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृपया तदनुसार क्रम में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो भैया लेटर पूरा पढ़ दिया है, अब आगे हम पढ़ने वाले कुछ है नहीं।